हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस लिक्लोमैक प्लस टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट किन कंडीशन में यूज़ की जाती है, इसके क्या यूज़, डोज, वर्क, साइड इफेक्ट्स, प्रकॉशंस के बारे में जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जो असली क्लोमैक प्लस टैबलेट है, ये टॉरक कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है और इसकी आपको एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स मिल जाएंगी, जिनका जो प्राइस है ये आपको 75 रुपीस में किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। और इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें असली क्लोफेनिक 100 mg एंड पैरासीटामोल 325 mg इसमें ऐड किया गया है। ये 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बनी है। दोस्तों, फर्स्टली हम जानते हैं इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका क्या वर्क है। इसमें जो असली क्लोफेनिक है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है एंड जो पैरासीटामोल है वो एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग है, जो कि ये दोनों हमारी बॉडी में उन केमिकल सब्सटेंस को ब्लॉक करती है जो पेन, इन्फ्लेमेशन, फीवर का कारण बनते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इस टैबलेट के क्या यूजेस हैं, जो किन कंडीशन में यूज़ की जाती है। अगर दोस्तों आपको रिमाइड अथराइटस, पोस्टियो अथराइटस की प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है पेशेंट को कि उसको पेन होती है, स्टिफिनेस होती है, स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में, तो उस कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, उसमें स्टिफिनेस हो गई है, जकड़न हो गई है, या फिर नेक में, गर्दन में आपके जो स्टिफिनेस और जकड़न हो गई है, तो उस कंडीशन में हम इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। और अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, आपके दांतों में, आंखों में या फिर कान में दर्द हो रहा है, उनमें सूजन आ गई है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। चोट लगने पर या फिर जो एक्सीडेंट के दौरान होने वाले दर्द में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑपरेशन के बाद भी होने वाले दर्द और सूजन में इसका यूज़ किया जाता है। और अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट फीवर भी है, मीनिंग बुखार भी है साथ में, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ओवरऑल दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में दर्द हो गया है, उसमें दर्द हो रहा है, उसमें सूजन हो गई है, या फिर आपको बुखार भी हो रहा है साथ में, तो उस कंडीशन में हम इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक ड्रग है। अब जानते हैं दोस्तों इस टैबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस टैबलेट को लेने से पेशेंट में क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपिटेट एंड डायरिया हो सकता है। अगर दोस्तों आपको और कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है, तो उस टाइम इस टैबलेट को लेना बंद कर दें। और इसके स्ट्रिप पर भी मेंशन किया गया है कि इसको हमने डेली यूज़ नहीं करना है, बिकॉज जो पैरासीटामोल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें पेशेंट का लीवर डैमेज, एलर्जिक रिएक्शन, स्वेलिंग हो सकती है फेस, माउथ और थ्रोट पर, और पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है, इचिंग और रैशेस हो सकते हैं। दोस्तों, ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप इसका ओवर यूज़ करते हैं या फिर रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं तभी ये पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इसकी जो प्रिकॉशंस के बारे में, इसको किस कंडीशन में नहीं यूज़ करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसमें ना यूज़ करें इसके। इस टैबलेट के साथ आपको अल्कोहल का भी सेवन नहीं करना है। और अगर आपको लीवर और किडनी की भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी इसको ना यूज़ करें, अपनी डॉक्टर की एडवाइस से यूज़ करें। और दोस्तों इसकी डोज़ की बात करें तो इसकी जो डोज़ है वो आप दिन में 3 टाइम या फिर 2 टाइम 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं, सुबह 1 टैबलेट और शाम को 1 टैबलेट। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा पेन हो रही है, तो उस कंडीशन में आप 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी असली क्लोमैक प्लस टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।